दोस्तों नमस्ते प्रणाम, स्वागत है हमारे चैनल में आप पूजा प्रेमी ऑफिशियल में आपका। तो देखिए माही जो है बहुत नटखट हो गई है और इसको हम सुला कर गए थे, सोई नहीं जागी बैठी हुई है। माही उधर मोबाइल आए बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बोलेगी, मोबाइल लेगी, खड़ा हो जा। ओ हाँ देखिए देखिए कैसे कर रही है। इसको हम बोले थे सो जाओ और या नहीं सोई। देखिए ऋतिक यहाँ पे सोया हुआ है, देखिए यहाँ पे सोया हुआ है ऋतिक और वहाँ पर सोई हुई है। देखिए उधर ऋतिक का सोई हुई है और ये इसको तो नींद नहीं आ रहा है। देखिए सो जा, आँख बंद करो। ये कितनी ढंगबाज है, ये नटखट है, पूरी नटखट नटखट नटखट। अच्छा माही तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है दीदी? माही, हाँ माही। इसको जो है ना अपना नाम, अपना नाम का मतलब नहीं समझती है, सिर्फ इसको बुलाइए माही तो यह बोलेगी, ऐसे नहीं बोलेगी। और देखिए इसको हम सुलाएंगे, लोड़ी गाकर सुलाएंगे तभी ये सोएगी, नहीं तो नहीं सोएगी। हम सोचे थोड़ा सा लाइव आ जाते हैं, जो बोले थे उस बोल कर उसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसको सोना नहीं है, इसको माँ को तंग करना है। इसको एक लोड़ी सुनाएंगे या सो जाएगी, तो हम इसको लोड़ी सुनाएंगे तो आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुनिए। सो जाए लोड़ी का भी कौन बोला नानी, ठीक है देखिए लोड़ी लोड़ी लग रहा होगा कि मम्मा जो है मोबाइल में क्यों देख रही है बार बार। लोरी 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 रे लोरी 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 रे लोरी लोरी लोरी, मेरी बिटिया रानी बने महलों का राजा मिले ख्वाब सपनों के सजे। ओ
हो ख्वाब सपनों के सजे बिटिया मेरी सो जाए लेके गोद में सुलाऊं गाऊरा हाथ भर सुलाऊं मैं लोरी 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 रे ही लोरी लोर लोरी 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 रे लोरी लोर। तो फाइनली मेरी बेटी सो गई है और आप लोग हमारे आप लोगों को हमारा गाना कैसा लगा लोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और देखिए मेरी बेटी सो गई है, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन बचपन से इसको हम यही लोरी गाते हैं और यह सो जाती है। हाँ मुझे पता है कि यह गाना आपकी कोई और गाई हुई है क्योंकि यह गाना तो फेमस है, लेकिन जानते ना बच्चे को फेवरेट हो जाता है। यही वह ध्रुवराज को जो यानी कि ऋतिक को मेरे बेटे को उसको गाना कौन पसंद था, चंदा मामा दूर के पूरी पकाए घूर के आप खाए थाली में नग दो प्याली में ना गया रोज खाए गया फूल, ये ऋतिक को पसंद था। उसको जब भी सुलाना पड़ता था यही लोरी गाना। धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसको चार गाना लोरी सुनाकर सुलाना पड़ता था। और ऋतिका को उसको नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए वो लोरी पसंद था। मतलब हमारे तीनों बच्चों को जो है बचपन में मतलब उसके पापा क्या करते थे, हम काम कर रहे थे कोई काम कर रहे हैं और उसको वो रो रही है सो नहीं रही है तो उसको मोबाइल में गाना बजाकर उसके कान के पास में रख देते थे और वो गाना सुनकर सो जाती थी। तो उसका फेवरेट धीरे धीरे बच्चा को जानते हैं जो बचपन से सुनना पसंद हो जाता है तो वही पसंद करते हैं, यही हुआ। और तीनों बच्चे को तीन कविता सुनाकर हम सुनाते हैं तीनों को, जब भी सुलाना है तो कहानी सुना लोरी सुनाओ या कहानी सुनाओ कोई कोई चीज़ सुनाना पड़ता है, इसलिए हम उसको हर दिन यही कर। लेकिन एक बात है कि मेरा तीनों बच्चा जो है तीनों तीनों लोरी गाते हैं, ऐसे नहीं सोएगी लड़ाई झगड़ा करेंगे तीनों नहीं सोएगी। अगर जो हम एक लोरी गाना शुरू कर दिए तीनों शांति सराम बिछाना पर तो भर जाएगी और सो जाएगी। आप देख ही चुके हैं मेरी छोटी वाली बेटी को, इसको लोरी एक मिनट सुनाए और यह सो गई है, देख सकते हैं। माही ए माही देखिए सो गई है। तो आप लोग अगर जो खुश हुए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा और लाइक तो बनता है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितना हो सके सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ कर, देखिए हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं रिक्वेस्ट है। और मेरे पास में स्टैंड था वो भी टूट गया जो कि हाथ में बनाकर वीडियो जो भी डालना है तो हाथ में बना मतलब हाथ में रख कर डालना है वीडियो को और जितना देर भी वीडियो बनाएंगे हाथ में रख कर बनाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा देर का हम क्या कहते हैं ब्लॉग भी नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को जितना हो सके प्यार दुलार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन हम आपको ब्लॉग देंगे और जो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए और हम आपको हर दिन का एक ब्लॉग देंगे। स्पेशली अभी छठ पूजा चल रहा है तो छठ पूजा का भी देंगे। लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि हमारे घर में हर काम होता है लेकिन मेरे घर में पूजा करने वाला कोई नहीं है, मतलब छठ पूजा हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए दूसरा कोई उठाती है। मेरी बगल की सासू माँ है वो उठाती है क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे पापा जी हैं और एक गोतनी एक ननद। अभी फिलहाल मेरे घर में जो है परिवार मेरे एक गोतनी एक ननद, हम दो गोतनी हैं और वो मेरी बड़ी है और मेरे पापा जी हैं, दो भाई माँ बहनी है और मेरे तीन बच्चे हैं, कुल मिलाकर आठ नौ आदमी हैं। और
सभी मिलकर हम पूजा करने जाएंगे छठ पूजा में, तो हम वो भी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जितना हो सके हम वीडियो दिखाएंगे। आप लोग हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय, हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय।